अश्विन केजा वापस एक बार गैंगस्टर न्यू ओरलियंस। तो देखो पिछला एपिसोड अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो भाई मत देखना उसको प्लीज़ भाई। उसमें मतलब मेरी पूरी ऑडियो करप्ट, मतलब तुम लोग कह सकते हो कि गेम की ऑडियो इतनी ज़्यादा थी कि मेरी ऑडियो आई नहीं। सो देखो इससे अच्छा कि मैं इसी वाली, सो देखो मैं तुम लोगों को हल्का हल्का सा बता देता हूँ कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने थोड़े बहुत मिशंस किए थे एंड ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग बस गेम की स्टार्टिंग की थी। ओके सो देखो इस बार भी हम लोगों को एक छोटी सी रेस करनी है एंड हम जल्दी से रेस करके मैं तुम लोगों से रेस करके मिलता हूँ। भाई इस बार हम लोगों को तीन तीन स्टार्स मिले हैं, मतलब तुम लोगों को स्टार को या ट्रॉफी तुम्हारी मर्जी। एक बार भाई मैं तुम लोगों को मैंसन पे चल के दिखाता हूँ, अपना एक मैंसन भी है। सो देखो अगर तुम लोग भाई एक बंदूक लेके, इसे डर लग रहा भाई यार क्या। देखो हमने इसे पिछले एपिसोड में खरीदा, अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि हमने पिछले एपिसोड में काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी थी, लेकिन भाई इस मैंसन को खरीदना बहुत आसान है, तुम लोगों को स्टोरी लाइन में ही बता दिया जाएगा एंड तुम लोग आराम से खरीद सकते हो। ओके इस बार हम डेकोरेट करते हैं यार। बेसिक आर्मर या बैंगर, ये क्या है? आई थिंक ये ज़्यादा सही रहेगा भाई। शायद हमारे पास या तो भाई 0 मिलियन, वाह। सो हम कुछ नहीं कर सकते अभी। आई थिंक की इन्फ्लुएंस भाई एक्सपी मिलेगी इससे, चलो एक्सपी ले लेते हैं। यू गेन भाई क्लेम कर लेते हैं अपना कुछ डायमंड्स। क्या हम इस मैंसन के अंदर जा सकते हैं या प्रो? भाई मुझे नहीं पता था कि भाई कितना सही है यह अपना मैंसन। देखो अच्छा मैं तुम लोगों को थोड़ा, मतलब अभी तक मैं भी घूम के नहीं आया, सो मैं भी थोड़ा टूर कर लेता हूँ तुम लोगों को टूर। वैसे इसमें टूर कराने लायक कुछ है नहीं भाई, कुछ ज़्यादा ही छोटा मैंसन है, लेकिन कोई ना। एक्चुअली भाई अगर यहाँ से देखें तो ये 2D लगता है, लेकिन असली में 3D है। कोई ना अभी हम बाहर निकलते हैं, अभी हमें और ज़्यादा पैसे कमाने हैं। एक्चुअली हम लोगों को मतलब इस पूरी सिटी पे राज करना है। ओके तो देखो अभी यहाँ पे एक छोटा सा कटसीन आया था, उसमें बताया कि ये जो उसका एक यहाँ पे एक दोस्त था, आई मीन मैं यहाँ पे उसका कोई दोस्त था, वो बोला था उसके हाथ में फिलोसोफर स्टोन है। एंड भाई आई डोंट नो कि ये फिलोसोफर स्टोन हैरी पॉटर की तरह काम, हैरी पॉटर की फिलोसोफर स्टोन की तरह काम करता है या कुछ और ही काम है इसका। लेकिन कोई ना हम ऐसे करते हैं, एक बार मिशन कम्प्लीट कर लेते हैं, हम लोगों को पता चल जाएगा। लुक फॉर द पैपलियन एट कंस्ट्रक्शन साइट। You don't get it, man. I'm not a cook. I'm just an assistant. Then consider this a promotion. I can't. I'll blow myself up. I like this guy. He's fun. ओके तो यहाँ पे अभी हमने, हमें कुछ बंदा, मतलब एक बंदा दिखाया था, दो लोग उसे परेशान कर रहे हैं, तो अभी हमें उस बंदे को रेस्क्यू करना पड़ेगा। भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी, भाई मैं उस बंदे को बचा के जाऊँगा। आई थिंक वो हमारा कोई दोस्त होगा या कुछ और है, भाई स्टोरी लाइन में ये नहीं बताया कि क्या है वो हमारा। इसकी भी उड़ा दें वैसे भाई, उड़ा तो नहीं सकते लेकिन फिर भी। वैसे सब ब्रो थैंक्स, तेरी ऐसी भाई मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, सामने से हट जाओ। वो बंदा भाग गया। ओके देखो सिंगल टैप से लिली तो हम नीचे, अच्छा चलो नहीं मारे। बस जंप, अच्छा जंप ऐसे करते हैं, अगर तुम लोग जंप करना है बस लॉन्ग टैप करो एंड जंप हो जाएगी, मतलब ऊपर चढ़ना है, जंप करना है या जो भी करना है। फॉलो द फ्यूम्स भाई कहाँ है यार, कहाँ को जाना है मुझे समझ, अच्छा समझ गया। यहाँ बस साफ साफ एक रास्ता भाई, मैं क्या सोच रहा हूँ उस तरफ को, चलो इस तरफ को चलना है। डिस्ट्रॉय द बोट विद द प्रोडक्ट ऑन इट। ओके वह बंदा प्रोडक्ट है, नाइस। इस बोट को भी फोड़, तेरे तो हम पानी में गिर गए, हम मर तो नहीं जाएंगे। मिशन कंप्लीटेड। या हमें ये चाहिए थे, कहाँ गए भाई हमारे मैंसन पे, हमें कुछ अपग्रेड करने के लिए चाहिए थे। वो कुछ एम लिखा आता है भाई उस पर,
टेक आउट ऑल टारगेट्स ऑन द रूफ। भाई इन सबको मारना है भाई, मुझे लगा पता नहीं क्या ये लोग कुछ नहीं कौन है, मुझे लगा था कि ये लोग हमारे बारे में जानते हैं। ब्रोतू गया, वो जाना कहाँ से है यार। अबे ये यहाँ से डायरेक्ट जा सकते थे भाई, मैं भी पता नहीं कहाँ से रास्ता ढूंढने चला गया। एक मिस हो गया भाई, दो मिस हो गए टारगेट्स। ओके एक बंदा और ख़त्म है आई थिंक। ऊपर दो बंदे पड़े हैं, पर यहाँ से लग नहीं रही उनको। वेट अ सेकंड, क्या वो आप हमारे फ्रेंड्स की कार है? एक सेकंड, आई थिंक सो। अबे चल पे भाई, वो टारगेट्स हैं। ब्रिंग द ट्रक टू द वेयर। भाई देखो, अगर तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं ढंग से चला कि नहीं पा रहा, तो यार देखो मैं जायरो में चला रहा हूँ, मतलब जायरो में खेल में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन भाई चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। सो यार देखो, आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर तुम लोग आज का गेम प्ले पसंद आया तो चैनल को लाइक कर देना, देन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।